नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट में। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन में शराब से वंचित रहे शराब के शौकीनों के लिए एक और बुरी खबर है। उत्तराखंड में अंग्रेजी शराब की दुकानें सोमवार से अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएंगी। शराब ठेकेदारों ने शनिवार को आबकारी अधिकारियों से वार्ता के बाद शराब की दुकानें बंद रखने का अपना फैसला वापस लेने से इनकार कर दिया है। शराब ठेकेदारों ने प्रदेश भर में शराब की दुकानों के बाहर सोमवार 25 मई से बंद रहने की सूचना के पोस्टर भी लगा दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड के शराब ठेकेदारों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते शराब कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले साल जो कोटा मुश्किल से बिका था, इस बार सरकार ने उसको 40% बढ़ा दिया है। लॉकडाउन और दुकान बंदी के चलते पहले ही भारी नुकसान हो गया। ऐसे में पिछले साल से करीब 40% ज्यादा शराब का कोटा बेचने की बाध्यता को वो लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। शराब कारोबारियों ने बताया कि शनिवार को संयुक्त आयुक्त से वार्ता में उनकी मांगों का कोई सकारात्मक हल नहीं निकला, जिसके बाद प्रदेश में 25 मई से शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शराब कारोबारियों की और क्या क्या मांगे हैं। कोविड टैक्स हटाने की मांग, शराब और बियर पर लाभ 25% कर दिया जाए, नवीनीकरण दुकानों में अवशेष स्टॉक अधिभार का रिफंड मिले, लॉकडाउन में नवीनीकरण फीस और लाइसेंस फीस माफ की जाए, मार्च या उससे पहले का जो स्टॉक ना उठा हो उसका रिफंड मिले, शराब कारोबारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग।